हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, लौकी के कोफ्ते। और ये लौकी को किसने के बाद में इसमें अच्छी तरह से पानी निकाल लिया और बिल्कुल सूखा, थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते गीले हो जाएंगे तो उसके गोले नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए इसमें हरी मिर्च डाला और हरा धनिया, और अब इसमें बेसन डाल रहे हैं, 3-4 चम्मच डालेंगे। और ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, तो उस क्वांटिटीज की बेसन की कम रखिएगा। अब इसमें देखिए धनिया, हल्दी, मिर्ची और नमक सब मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। लौकी में 3-4 तरीके से बनती है, जैसे लौकी की 3 वैरायटी हो जाती है, जैसे चने की दाल लौकी हो गया, लौकी के कोफ्ते हो गए, लौकी के कबाब हो जाता है, लौकी की भुजिया होती है। आप कई तरह से बना सकते हैं इसे। इसमें देखिए गरम मसाला भी डालता है थोड़ा, इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। ये देखिए इसके अब गोले बना लिए और तेल गरम हो रहा है, डीप फ्राई करेंगे इसे और गरम होने पर ही इसे डालेंगे। और फौरन डालने के बाद इसे चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। धीमी आंच में, फिर तेज आंच होने के बाद में, तेल गरम होने के बाद में जब डाला अपन कोफ्ते को, तो उसके बाद सिम पे कर दिया और फिर सिम पे ही तलना है, क्योंकि अगर तेज पे तलेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। और ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है और बने भी अच्छे हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक तले से। अब इसमें वही तेल में जीरा डाल दिए और ये प्याज का मसाला है। उसे डालने के बाद में फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, फिर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे 5 मिनट। पांच मिनट भूनने के बाद में फिर इसमें टमाटर प्यूरी, 2 टमाटर की प्यूरी है ये, इसे डाला। देखिए धनिया डाले, अब मिर्ची डाल रहे हैं, उसके बाद हल्दी, फिर
नमक भी डाल दिया। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, आप जितना तेज खाए कम खाए जैसा चाहते हैं उस पर डालिए, और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से भूंजिए। पानी डाल डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूंजते जाइए, जब तक के तेल छोड़ ना दे मसाला तब तक भूंजिएगा। अगर आप कम भूंजेंगे तो कच्चा कच्चा मसाला लगेगा, इसलिए जितना अच्छा भूंजेगा उतना टेस्टी आएगा। देखिए मसाला भून चुका है, अब इसे ग्रेवी तैयार कर लेंगे। जितना आप पतला रखना चाहें उस हिसाब से रखिएगा। देखिए आप कोफ्ते को उसमें डाल देंगे और इसे 5-10 मिनट उबाल लेंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे गैस। अब इसमें गरम मसाला डाला, और हरा धनिया, और आपका कोफ्ते तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और ऐसे ही खाने में भी काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी था। देखिए मशीन चल रही है और साथ साथ मशीन भी चल रही थी, और कपड़े भी धुलते जा रहे थे, और बस नहाने का काम बचा था, बस हम नहा के फ्री हो जाएंगे, और नहा के भी आ गए। आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते देश विदेशों में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं दिन, सब तरफ दहशत का माहौल है। और हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में एक केस सामने आया है, बस यही दुआ है सब जल्दी अच्छे हो जाएं और पहले की तरह हालात सब तरफ अच्छे हो जाएं, बस यही चाहते हैं। फ्रेंड्स आ गए हैं हम नहा के, और बस सब काम हो चुका है, और अभी इस वक्त बज रहा है 1, और बस खाना वगैरह तो सब बन गया है, लेकिन अब खाना है, लेकिन अभी तो 1 बजा है, तो इसलिए इससे जल्दी तो खाएंगे नहीं है, तो 1:30 बजे के पहले तो खाना नहीं है, तो बस अब इस बीच अपनी तैयारी करते हैं क्योंकि हमें जाना भी है। तो चलिए फिर, देखिए हम जा रहे हैं बाहर, बहुत ज़रूरी काम था, कुछ सामान था लेना था, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। थोड़ी सी देर में जल्दी वापस आ गए थे, और वैसे भी आज छोटा बेटा है आयाज, उसका बर्थडे भी था, लेकिन उससे ने भी मना कर दिया कि मम्मी नहीं करेंगे। हम लोग ने भी कहा कि नहीं, सही, ऐसे माहौल में अच्छा भी नहीं लगता करना, फिर कभी कर लेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है, सब अच्छे रहें यही चाहते हैं। तो बस देखिए थोड़ी देर में ही हम वापस आ गए थे। और छोटे बेटे का भी एग्ज़ाम था, वो पोस्टपोन हो गया, 12th में था, उसके 2 पेपर बचे थे, लेकिन कैंसिल होने से उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। देखिए अब कब होता है।
ये देखिए हमारी ननंद अचानक से ही आ गई थी। वो भिलाई 3 में रहती हैं, क्योंकि इसका बर्थडे होता है तो वो अक्सर आती हैं। बहुत छोटा था तब से ही आती हैं वो। बहुत कम ही होगा जब नहीं आ पाई हों, नहीं तो वो हमेशा आती हैं। उम्मीद तो थी कि वो शायद आएंगी, लेकिन आ गई तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग को सबको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग भी बहुत मन उदास था, अच्छा सा नहीं लग रहा था। और बेटे को भी अच्छा लगा कि चलिए कम से कम उसकी भी खुशी हो गई इसमें। और वो उन्हीं लोगों ने ये सब केक लेके आए थे, और वो हमेशा से केक लेके आते हैं अपने साथ। और उसका इसी तरह से थोड़ा बहुत जो भी है अच्छे से मन गया, उसका खुशी हो गई इसमें बच्चे की। तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों के आने से। ये उनका बेटा है ननंद का। काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी खुशी हो गई इसी में। मन खुश हो गया, थोड़े देर के लिए सब कुछ भूल जाता है इंसान, जो बाहर का माहौल होता है। अपनी खुशी में सब खुश हो गया। ननंद नंदोई और बेटा ही आया था बस, बाकी बेटी को घर पे छोड़ के आए थे। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। गुड बाय।